দুই বেকাবু, পুলিশ দেখি লাচার, জমকর হুই হিংসা, কন হে জিম্মেদার, বন্ধ সে বেহার, হড়তাল সে হাহাকার। চলে শুরু করতে হ্যাঁ বিগ বুলেটিন। দেশ সুলগ রা হ্যায়, আগ লগি হ্যায় মহঙ্গাই কি, আগ কি তপিশ জব হদ সে জ্যাদা বড়নে লগি তো রাহত কি আস মে লোগ সড়কো পর উতর আয়ে ইস মাঙ্গ কে সাথ কি সাহাব তরস খাও বখশ দো, ক্যোঁকি মহঙ্গাই অব বরদাশত নহীঁ হোতি। লেকিন ধীরে ধীরে জজ্বাত মাঙ্গো পর হাবি হোনে লগে অর ফির ইস দেশ নে অহিংসক প্রদর্শন কো পল ভর মে হি হিংসা সে লবরেজ হোতে দেখা। তোড়ফোড় হুই, আগজনি হুই, জান ভি গই, ये सब दिल्ली दरबार से सटे नोएडा में सरेआम कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया जाता रहा और पुलिस चैन की नींद सोती रही। तब जबकि शासन और प्रशासन दोनों को ही पहले से ट्रेड यूनियन हड़ताल की जानकारी थी, सवाल उठता है कि हड़तालियों से कि क्यों उन्होंने कानून हाथों में लिया, सवाल प्रशासन से वक्त रहते क्यों नहीं हालात पर काबू पाया गया, सवाल सरकारों से कि आखिर ऐसे हालात ही क्यों पैदा हो गए कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। यही वो सवाल है जो जेरे बहस है। भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस दिखी लाचार, जमकर हुई हिंसा, कौन है जिम्मेदार, बंद से बेहाल, हड़ताल से हाहाकार। जी हां, बड़ा सवाल है। अपनी मांगों को लेकर 11 ट्रेड यूनियन ने दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान तो किया, लेकिन वक्त के साथ साथ यह हड़ताल हिंसक होती गई। फिर क्या था, वो सब कुछ हुआ जिसकी लोकतंत्र में मना ही है। आवाजें जब दबा दी जाएं, मांगे अनसुनी रह जाएं, हुकूमतें मनमानी पर उतर आए तो होता है आंदोलन। इस खातिर कि हुकूमत के तख्तो ताज हिल जाए, परवाज उनकी कानों में गूंज जाए और बस सूरत बदल जाए। लिहाजा महंगाई से तंग आकर निजात पाने की तलब से 11 ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया। जायज बात, लेकिन देखते ही देखते हड़ताल से हाहाकार मचने लगा, क्योंकि हड़ताली कर्मचारी हिंसक होने लगे। फिर क्या था, देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की वारदातें अंजाम दी जाने लगी। नाजायज, सरासर नाजायज। आम आदमी जो पहले ही बंद से बेहाल था, अब उसके हलकान होने की बारी थी। लेकिन उसके जहन में एक सवाल चल रहा था कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैं क्यों इस हड़ताल का भुगतान करूं। यही सवाल अब बड़ा हो चुका है कि आखिर प्रदर्शनकारी हिंसा पर क्यों उतारू हो गए। यहाँ 10:30-11 के बीच में करीब 150 लोग इकट्ठे हुए और बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी को देखे जाने समझे उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि ये फैक्ट्री भी बंद थी, आसपास की सारी फैक्ट्रियां भी बंद थी, पर पीछे से तोड़फोड़ करते हुए आए और जो उनके हाथ में ईंटें पत्थर जो था उठा के फेंकते रहे। कोई बार उनको लेबर दिख गई टिफिन कैरी करते हुए, उसको सर फोड़ते रहे। यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज ने यहाँ 100 नंबर पे फोन किया, उसके बावजूद 100 नंबर किसी ने नहीं उठाया। एक घंटे तक यहाँ पे तोड़फोड़ चलती रही, कोई पुलिस वाला नहीं आया। खैर, हड़ताल पहले से तय थी, शासन और प्रशासन दोनों को ही इस बात की जानकारी थी, इंतजाम किए जा सकते थे। लेकिन सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देने की फितरत का फल ये रहा कि सरेआम हंगामा मचता रहा, लोग चीखते रहे और पुलिस नदारद। आखिर कौन सी ड्यूटी बजा रहा था पुलिस महकमा जो वक्त रहते हंगामे पर काबू नहीं पाया जा सका।
पुलिस बल वहां पे मौजूद थी, लेकिन इनके द्वारा जो है वो गुरिल्ला ढंग से कुछ फैक्ट्रियों पर जो है वो पथराव वगैरह किया गया। एक आध फैक्ट्री में जो है कुछ वाहन है उनको जो है वो क्षतिग्रस्त किया गया, उनको जलाया गया। एक आध सरकारी वाहनों पर भी जो है, फायर ब्रिगेड पे और सरकारी वाहन पर भी जो है वो कुछ क्षतिग्रस्त किया गया है। आखिरी सवाल, जिस सरकार को जनता ने चुना उसी जनता की कमर तोड़ने की सरकार की कोशिशें आखिर किसके भले के लिए हैं? क्या सरकारों को ये गंवारा नहीं कि हर घर में चूल्हा जले और चेहरे से खुशी छलके? फिर क्यों उसी जनता को अपने हक के लिए यूं सड़क पर उतरना पड़ता है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और इस पर अहम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा खास पैनल आज मौजूद है, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर। अमिताभ जी स्वागत है आपका। रशीद मसूद जी हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जुड़ रहे हैं। रशीद जी स्वागत है आपका। लखनऊ स्टूडियो से मनोज पांडे कृषि राज्य मंत्री हैं। मनोज पांडे जी स्वागत है आपका। प्रीतम सिंह ट्रेड यूनियन नेता हैं। प्रीतम सिंह जी स्वागत है। साथ ही साथ राकेश जी भी हैं, बैंक ट्रेड यूनियन नेता हैं। राकेश जी स्वागत है। देहरादून से हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बीपी ममगाई हैं, संयोजक हैं यूएफबीयू के। ममगाई जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी नेता, मुन्ना सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले लखनऊ स्टूडियो चलेंगे प्रीतम सिंह जी के पास, क्योंकि आज हड़ताल भी उन्हीं की थी, मांग भी उन्हीं की थी और उत्पाद भी उन्हीं का था। प्रीतम सिंह जी, मांगे रखिए सब कुछ सही लगता है, लेकिन जो नोएडा में हुआ वो क्या सही है? प्रीतम दास है, ये नोएडा में जो कुछ हुआ है इसे उचित नहीं कहा जा सकता। दोनों पक्षों को संयम से काम लेना चाहिए था। नहीं, संयम से काम लेना चाहिए था, लेकिन जो तस्वीर देखने को मिली वो बेहद ही शर्मनाक है। यहाँ पर आप अपनी मांगे रखिए सही लगता है, अपनी अपनी आपने मांग रखी है केंद्र सरकार के सामने सही लगता है, लेकिन गाड़ियां लाइन की लाइन है उसको फूंक देना कहां तक जायज है? हम इसको जायज नहीं कह सकते, लेकिन वहां क्या उस समय सिचुएशन थी हाँ। उसको बिना देखे समझे हम इस पर और कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं जो कुछ हुआ है बड़ा अप्रिय हुआ है हाँ। और इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। नहीं, वहां पर क्या स्थिति थी हम आपको बता देते हैं। पूरे नोएडा में अलग अलग सेक्टर्स में हुड़दंग मचाया गया, तोड़फोड़ की गई, कई ऑफिसर्स कई कंपनी ऐसी थी जिनमें तोड़फोड़ कर दी गई, हम ये आपको बता रहे हैं जी। मैं इसमें तो मैं ये कह सकता हूं कि सभी हड़ताली कर्मचारियों को आंदोलनकारियों को संयम से काम लेना चाहिए था, लेकिन संयम से काम नहीं लिया ना, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है समझ में आता है क्या आपको? अब वहां की सिचुएशन क्या है कि ऐसे कौन से हो सकता है कोई बीच में आंदोलन को बदनाम करने वाले एलिमेंट घुस गए हों, ये हम यहाँ इतनी दूर बैठ के कुछ नहीं कह सकते। राकेश मैं जी तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो कुछ हुआ है बड़ा अप्रिय हुआ है और इसको कंट्रोल में किया जाना चाहिए था। जो भी जिम्मेदार लोग हैं दोनों पक्षों के लोग एक आपसी सहमति की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि जो भी वहां काम हो रहे हैं वो तो आपसे मिलजुल के हो रहे हैं, चाहे इम्प्लाई हो और एम्प्लॉयर हो हाँ। दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं तो हाँ। उनको मिलकर चलना चाहिए। आता हूं राकेश जी आपके पास, मनोज पांडे जी से पहले बात कर लेते हैं। मनोज जी, यहां पर नोएडा में पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, कहीं पर भी ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं दी, सिर्फ एक नोएडा अकेला ऐसी जगह थी जहां पर हिंसक घटनाएं हुई हैं। पहले से जब पता था तो तैयारियां आखिर क्यों नहीं की गई? मनोज पांडे जी आवाज आ रही है आप तक? आवाज नहीं पहुंच रही है। राकेश जी, यहां पर सवाल यही उठ रहा है कि आखिर आप मांग रख रहे हैं, मांग रखिए, लेकिन इस तरह की हरकतें तो कम से कम ना करिए, आम जनता क्यों आपके आपकी मांगों को लेकर पिसे? देखिए, एक उस नोएडा की घटना को हम ना तो किसी तरह से जायज मानते हैं हाँ, और ना किसी तरह से उसको उचित ठहराते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि लगभग संगठित क्षेत्र के 3.5 करोड़ मजदूर 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के बैनर के नीचे और तमाम इंडिपेंडेंट फेडरेशंस, बैंक, LIC, रोडवेज, केंद्र और राज्य के कर्मचारी हाँ। जिसमें और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के करोड़ों लोग इस हड़ताल में शामिल हुए हैं आज की तारीख में, और ये एक बहुत आइसोलेटेड घटना है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी जिसने भी किया है उसकी हम भरपूर भर्त्सना करते हैं। राकेश जी, आप लोगों की मांग थी, आप लोगों की हड़ताल थी, आप लोगों ने पूरे देश में हड़ताल की, यहाँ पर आम आदमी क्यों पिसे? लोगों को ऑटो रिक्शा नहीं मिला, स्टेशन पर खड़े रहे घंटों घंटों, आने जाने के लिए साधन नहीं मिला। इस देश की आर्थिक नीतियों की वजह से लगातार पिट रहा है
हम लोगों ने सिर्फ आम आदमी, क्योंकि ये किसी एक हित किसी कर्मचारी के वेतन के लिए ये हड़ताल नहीं हुई है, ये जो सरकार की नीतियां हैं, जो जनविरोधी नीतियां हैं, उसी के खिलाफ ये हड़ताल हुई है। लगातार हर तीसरे दिन आम आदमी की जेब केंद्र की सरकार काटती है किसी न किसी बहाने से, कभी पेट्रोल के नाम पर, कभी डीजल के नाम पर, कभी गैस के नाम पर, और तमाम जो ऐसे सेक्टर्स हैं स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा से लेकर के, समझ गए हम। और मनोज पांडे जी से बात कर लेते हैं, आवाज पहुंच रही है अब उनके पास। मनोज जी, यहां पर पहले से ही हड़ताल की बात कही जा रही थी, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं दी जो नोएडा में दिखाई दी गई, पहले से कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी? देखिए, घटना कोई हो इसके लिए तो किसी को कोई मालूम नहीं रहता, ठीक है, लेकिन जो एहतियात बरतनी चाहिए तो एहतियात बरती गई थी। हाँ। अब ये घटना है कि कुछ लोग जो आंदोलनकर्ता थे, हाँ, उन्होंने एक घटना कह लीजिए या दुर्घटना कह लीजिए, एक ही अंजाम हुई है, और उस पर जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी। नहीं, हमारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जब ये घटना हुई तब पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था, दो घंटे बाद वहां पर अधिकारी पहुंचे, पूरे नोएडा में तब तक हड़कंप मचता रहा। देखिए, ये पूरे देश व्यापी हड़ताल थी, और केवल उसके लिए एहतियात लिया जाता है कि ऐसी कुछ घटनाएं संभावित हो सकती हैं, उसके लिए पुलिस बल तैयार रहता है, उसके लिए एहतियात बरती जाती है। नहीं, एक चीज हमको समझाइए, इंडिकेट नहीं होता है कि इस जगह पर इस जगह पे ये आंदोलन करता, इस जगह पे ये आगजनी करेंगे या कोई गाड़ी। मनोज जी, एक चीज बताइए, नोएडा कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं, दिल्ली से सटा हुआ है, गाजियाबाद से सटा हुआ है, इतनी बड़ी जगह है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो आपके पास दो घंटे तक कोई पुलिसकर्मी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है जो वहां जाके पहुंचे। देखिए, जहां सवाल आपने नोएडा का किया, राज्य के लिए राज्य का हर कस्बा, हर टाउन, हर नगर पालिका और हर कारपोरेशन और टाउन सिटी वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना गांव का एक पुरवा और मजरा। हाँ। इतना बड़ा राज्य है। हाँ। और पूरे राज्य में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिस तरह के जो कोई आंदोलन के या कोई स्ट्राइक होती है तो उसके लिए राज्य पुलिस अलर्ट होती है, अलर्ट थी। लेकिन अब कोई इस तरह की दुर्घटना आकस्मिक कहीं घट जाए, उसके लिए ये दोष देना कि पुलिस बल बहुत देर से पहुंचा, ये नित्यांत गलत होगा, कहना गलत होगा। पुलिस बल पहुंचा है वहां पर, मसूद जी के पास चलेंगे, और उसने उसको संभालने के लिए पूरा प्रयास किया, संघर्ष किया। मसूद जी, यहां पर जो हड़ताल आज हुई है, बढ़ती महंगाई को लेकर हुई है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हुई है, अगर सरकार की तरफ से बात की जाती, ये हड़ताल ना होती तो शायद नोएडा में जो तस्वीर देखने को मिली है वो ना देखने को मिलती। देखिए, ये तो कहने की बातें हैं कि अगर बात की गई होगी, किसने बात करने से मना किया है? कोई बातचीत से मना किया गया है? प्रधानमंत्री बार बार दरखास्त कर रहे हैं कि भाई सब मसले बातचीत से हल हो जाएंगे। आम जनता पूरी अलकान रही, आम जनता परेशान रही पूरे देश में। की जा चुकी थी पहले भी एक बात हो चुकी, एक दौर पहले भी हो चुका है, तो ये तो जनता को परेशान करने ही के लिए तो ये था। ये जो झगड़ा हुआ है ये इस वजह से हुआ कि जनता का सहयोग इनको प्राप्त नहीं था। इन्होंने जबरदस्ती करके ट्रक्स रोके, कारें रोकी, दुकानें बंद कराने की कोशिश की, लोगों को चलने फिरने से रोकने की कोशिश की, इसीलिए झगड़ा हुआ है। और 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ाने के लिए हड़ताल की गई थी कि महंगाई को कम करने के लिए की गई थी? देश की बात देशभक्ति की बहुत करना आसान है, लेकिन देशभक्ति के ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल काम है। इन लोगों ने जो कुछ किया, और ये जो यही नहीं हुआ है, ये पूरे देश के अंदर जबरदस्ती हर जगह की गई है। कहीं उसमें रिएक्ट कर दिया लोगों ने तो उनके वहां मारपीट हो गई उनके साथ, किसी ने रिएक्ट नहीं किया तो वहां बेचारे खामोशी होकर बैठ गए, किसी को गाली देकर धमका करके भगा दिया। क्या सब ये एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा था कि जबरदस्ती दुकानें बंद कराई जा रही, चाहे वो मेरठ हो, चाहे सारा? अच्छा, ठीक है मसूद जी, हाथरस हो, चाहे मतलब। हाँ, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, यहाँ पर यूपी सरकार की अगर बात करें, शासन प्रशासन की अगर बात करें, तो लापरवाही है क्या यहाँ पर? इस तरह की जो तस्वीर देखने को मिली है नोएडा में, उसमें लापरवाही है क्या यहाँ पर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहा हूँ जी। इसमें जो जिस तरीके का लोगों के बयान आए हैं कि पुलिस नहीं पहुंची, तो उससे लगता है कि कुछ लापरवाही तो जरूर हुई है।
क्योंकि ये बात सही है कि क्योंकि देशव्यापी वो था तो सब जगह पुलिस को रहना चाहिए था, लेकिन जहां कोई इंसिडेंस हो गया और वहां से 100 नंबर के ऊपर फोन हो गया तो फिर फौरन इमीडिएटली उस जगह तक रश करना चाहिए था उस तरफ जहां ये चीजें हो रही थी। तो जो मैंने सुना है अभी